चलो देखो, अब ये हमारा किसके है, यू बाई भी में है, तो अब यहाँ पे यू बाई भी वाला रूल लगाएंगे। क्या सीखे थे? ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इस सेट क्या लिखेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा इसी का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर e के पावर x का क्या जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन होगा, तो डिनोमिनेटर कॉमन, नोमिनेटर को डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन log x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर आप माइनस का साइन, बहुत स्टूडेंट यहाँ प्लस का साइन कर देते हैं, ध्यान देना माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं, यहाँ माइनस का साइन होगा। अब फिर क्या करेंगे, आप log x कॉमन, नोमिनेटर को कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, यही सीखे थे ना। देखो u बाई भी रूल यही था ना, जो रूल सीखे थे उसी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये तो उसी तरह लिख दो, e के पावर x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ e के पावर x हो गया, log x को करेंगे कितना हो गया 1 बाई x, तो 1 बाई x, माइनस है तो माइनस का साइन, log x है तो log x, दो e के पावर x, ये तो कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, e के पावर x ही आएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, e के पावर x कॉमन ले लो, e के पावर अगर x कॉमन लेंगे यहाँ वन बाई एक्स बचेगा, अब माइनस यहाँ पर क्या, e के पावर x कॉमन ले लिए, यहाँ log x बचेगा ओनली, यहाँ क्या हो गया log x, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया e के पावर x का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर से ये e के पावर x कैंसिल, होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या इधर साइड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, e के पावर x, फाइनल आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, और तुम्हारा मन है नहीं कैंसिल करने का तो मत करो, कैंसिल कर सकते हैं। आगे चले, हो गया नोट यहाँ तक सभी का, हाँ चलो आगे देने, एक दो क्वेश्चन और दे, हाँ सर आगे आओ, सिक्स नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से तुम सही से बनाना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। y इक्वल टू 5x साइन x, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो 5 है फिर इंटू है x इंटू साइन x, cos x, देखो u इंटू v इंटू w, एक मिनट देखो पहले ध्यान देना, u v और w मान के बनाने से अच्छा है, यहाँ पर तो 5 कांस्टेंट, कांस्टेंट को एनी टाइम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन 0 है, कांस्टेंट को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या x और sin x, लगा देंगे u इंटू v और कर देंगे सॉल्व, नहीं करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 तो हमारा कांस्टेंट है ना, और हम बताए थे कि नहीं रूल में कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को कॉमन ले लेना है, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखना, 5 जो है ये कांस्टेंट है तो 5 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहला बात, इस दोनों में से एक को यू दूसरे को भी, क्योंकि इंटू लगा है ना, एक को यू और दूसरे को भी मान लेते हैं, यू इंटू भी, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाला कॉमन, सेकेंड वाला डिफरेंशिएट, फिर प्लस का साइन, सेकेंड वाला कॉमन फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब देखो ये 5 है तो 5 एक्स एक्स एजिटिज आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना मिलेगा, 0 1 1 मिलेगा, कैसे 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, करने का मन है नहीं करने का मन है तो रहने दो, कॉमन ही 5 कॉमन है, x into cos x क्या हो गया, x cos x plus sin x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो गया, sin x, फाइनल आंसर।
आया समझ में? किसका स्पीकर ऑन है और गाना चला के माहौल बना रहा है? आए स्पीकर ऑफ करो पहले। हो गया यहां तक? चलो आगे आओ, एक क्वेश्चन और देते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू टेन एक्स करो सॉल्व। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू टेन एक्स, फिर से लगाओ u इंटू v। लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? लगा सकते हो तो लगाओ जल्दी से और सॉल्व करके दिखाओ। रूट एक्स इंटू स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वन बाय टू रूट एक्स। फिर से बोलना क्या बोली? रूट एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वन बाय टू रूट एक्स। सही है। आ रहा सभी का आंसर? इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से यहां लगाएंगे u इंटू भी अंडर रूट x है और इंटू क्या है टेन एक्स है, तो एक को u मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे भी मानेंगे। ऐसा मन में सोचना है कि पहला वाला u है और दूसरा वाला क्या है भी है। करेंगे क्या है dy/dx, फर्स्ट वाला कॉमन, फर्स्ट कौन सा है अंडर रूट x, इसको कॉमन ले लिए। सेकेंड वाला डिफरेंशिएशन टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर किसका साइन प्लस का साइन, सेकंड वाला कॉमन और फर्स्ट वाला को क्या किए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से आगे अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां हुआ क्या सेक स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस का साइन, टेन एक्स है तो टेन एक्स, अंडर रूट एक्स का क्या होगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स। हो गया क्या यहाँ से 1/2 अंडर रूट है। इसको हम और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, रहने दो यहीं तक, अंडर रूट एक्स कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जोड़ी है। फाइनल आंसर क्लियर है? तो समझ में आ रहा है रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में, इंटू में कैसे कर रहे हैं, यू बाई सी कैसे लगा रहे हैं, एडिशन कैसे लगा रहे हैं, यहाँ तक जो बेसिक रूल है उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो समझ में आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ कॉमन हम लेंगे तो यहाँ से कॉमन जो ले लेंगे अब बाद में लास्ट में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से अंडर यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है ले सकते हैं, यहाँ अंडर रूट एक्स है अगर यहाँ से हम अंडर रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो, लेने का मन है ले लो, नहीं लेने का मन है मत लो। ठीक है, फॉर्मूला में जब देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वहां पर देख लेंगे, जब फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला का देखेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला हम लगा के सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ आओ यहाँ पर, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो क्या बोल रहा है? हाँ बोलो। लास्ट वाला स्टेप ये वाला ना। हाँ देखो
क्या लिखे थे यहाँ पर, y इक्वल टू देखो क्या था, अंडर रूट x था इंटू टेन एक्स था। मन में मानना एक u है और दूसरे वाला को मान लिए v है, यही क्वेश्चन था ना। दोनों के बीच में हमारा क्या लिखा हुआ, इंटू लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। तो हम मान लिए अंडर रूट x, एक को u और दूसरे को v। अंडर रूट x फर्स्ट वाला कॉमन, सेकंड वाला डिफरेंशिएट, u इंटू v लगा रहे हैं, फिर प्लस का सेकंड वाला फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट। अब इसको आप फॉर्मूला लगा दिए, टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता फॉर्मूला, sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर, अंडर रूट x होता था तो अंडर रूट x एज इट इज आ गया, प्लस का साइन था प्लस का साइन दे दिए, यहाँ टेन एक्स है तो यहाँ टेन एक्स दे दिए। अंडर रूट x को विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, क्या आता था, वन बाई टू अंडर रूट x लिख दिए। अब किसी को मन करेगा कॉमन लेने का, तो यहाँ पर अंडर रूट x है और यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट x है। एक चीज हमको जब तुम लोग समझाना थोड़ा सा, कि नोमिनेटर में रहेगा x और डिनोमिनेटर में रहेगा अंडर रूट x, इस x को अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x बोल सकते हैं। हाँ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही हो जाएगा। हाँ। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू अंडर रूट x, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट x है, अंडर रूट x कैंसिल, बचेगा कितना, अंडर रूट x बचेगा। हाँ। बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर सपोज दैट हमको यहाँ से अंडर रूट x कॉमन लेना होगा, तो हम अंडर रूट x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर x प्लस, यहाँ पर देखो नॉमिनेटर में अंडर रूट x नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं देखो tan x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan x, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे क्या 2x। फिर ये देखो अंडर रूट x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट x बाई x हो जाएगा, होगा क्या, अंडर रूट x बाई x, और इस डिनोमिनेटर वाला x को फिर से हम लिख सकते हैं क्या, ये अंडर रूट x, इस x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, ये अंडर रूट x कैंसिल, बचेगा क्या, वन बाई अंडर रूट x, बचेगा कि नहीं बचेगा। कहां पर, यहां पर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया। हाँ, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। हमारा मन अंडर रूट एक्स लेने का, हम अंडर रूट एक्स लिए, तुम्हारा मन कर रहा है वन बाई टू अंडर रूट एक्स कॉमन लेने का, तुम ले लो वन बाई टू अंडर रूट एक्स, तुम्हारे मन पर डिपेंड है। हमको यहाँ मन क्या था, अंडर रूट एक्स कॉमन लेने का, हम अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे, तुम वन बाई टू अंडर रूट एक्स भी कॉमन ले सकते हो, तो बस यहाँ पर रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। क्लियर है, चलो आगे चले। हाँ सर, नेक्स्ट, हाँ सर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वाई इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन देते हैं, क्या दे बताओ, वाई इक्वल टू देते हैं हम यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखे कौन बताता है आंसर, जो पुराना स्टूडेंट है उसके दिमाग में तुरंत आना चाहिए आंसर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है, वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोल रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो देखो नोट लगाओ, माइंड लगाओ जल्दी से, यहां में क्या करेगा, यू इंटू भी लेगा, यू इंटू भी से भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन इसको हम और सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर, तो सोचो सोचो। अच्छा हमको बस सिंपल सा ये बताओ, तुम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा है, यू इंटू भी ले रहा है, यू इंटू भी, यू इंटू भी ले रहा है, ठीक है, यू इंटू भी ले रहा है, ठीक,
यू इंटू भी से ही बनाएंगे या डायरेक्ट बनाएंगे, आंसर हमारा सेम ही है। ठीक है, देखो हम लोग टेंथ क्लास से सीख क्या है, अगर साइन एक्स यहाँ दिया हुआ है इंटू में अगर कॉस एक्स दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट कितना आता था? अरे सीखे है कि नहीं टेंथ क्लास में, सीख वन सीखा कि नहीं? इस तरह साइन थीटा इंटू कॉस एक्स थीटा वन है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन, आएगा ना वन? यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ हम एक्स के रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यहाँ हमारा एक्स है, इतना ही चेंज है ना। हम लोग इसको करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना साइन एक्स, इस दोनों का रिजल्ट हमारा वन ही आएगा, तो कॉस एक्स को लिख सकते हैं वन बाई साइन एक्स, sin x cancel 1, y equal to 1 का differentiation, differentiation with respect to x क्या होगा, 1 का differentiation 0, क्या होगा 0, क्या आएगा 0, इतना डर क्यों रहा बोलने में, 1 का differentiation 0, 1 constant हो गया ना, वन हमारा क्या है कांस्टेंट, अ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो लिखने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। अगर तुमको ऐसे दे देगा क्वेश्चन तो तुम कैसे सॉल्व करेगा, जैसे तुमको दे देगा वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा, बोलेगा डिफरेंशिएट करो जीरो जीरो, हमको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट वन होता है कि नहीं होता, वन, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट आ गया, हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को वन लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, आइडेंटिटीज में हम लोग पढ़े हैं त्रिभुवन में, तो इसको हम लिख दिए क्या वन, तो वाई इक्वल टू वन, और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, नहीं लिख देंगे, लिख सकते हैं, अगर नोट कर लिया करो, एक और दे रहे हैं हम, देखे थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आया होगा, याद है कि नहीं याद है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सर जीरो 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 आएगा, हमको मालूम है ना कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स आइडेंटिटीज से, ये हमारा वन हो जाएगा ना, आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर के इधर लेके जाएंगे तो वन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, कॉस एक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं टेंथ क्लास में, बेसिक में पढ़ के आया होगा ना ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ा है ना, तो यहाँ थीटा की जगह में एक्स है, यहाँ पर रिस्पेक्ट थीटा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट हमारा एक्स है, बस इतना ही चेंज है, इतना ही चेंज है ना, तो ये हमारा वाई इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया, वन डिफरेंशिएशन जीरो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक क्वेश्चन और, टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स जीरो जीरो, सोच समझ के करना, टेन स्क्वायर, अच्छा ये बताओ टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का रिजल्ट कितना होता है,
सोच के बताओ, माइंड में करो कैलकुलेशन, 1/2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस वन, वेरी गुड, माइनस वन। हम लोग टेंथ क्लास में देखो पढ़े होगे तुम लोग, थोड़ा सा याद करो माइंड में, माइंड में थोड़ा सा जोर डालो और याद करो कि पढ़े थे कि नहीं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को राइट से लेफ्ट में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर हमारा क्या है टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये इधर साइड आया तो क्या जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और इस वन को लेफ्ट से उठा के राइट में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो नेगेटिव माइनस वन, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस वन, तो वाई इक्वल टू माइनस वन, डिफरेंशिएशन जीरो। क्लियर है यहाँ तक? चलो और बेसिक बेसिक क्वेश्चन देते थोड़ा सा, बताओ y इक्वल टू x के पावर टू सही है y इक्वल टू x के पावर में टू, टू एक्स, टू एक्स, टू, टू एक्स, इसको करेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट dy / dx, ये 2 हमारा टपक के इधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, 1, 2x नहीं होगा, होगा तो आओ आगे बताओ तब। सिक्स नंबर, y इक्वल टू x के पावर 8, इसको तो सॉल्व ऐसे ही बोलना है, कितना आएगा? 8x, 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 8x आएगा ओनली, नहीं दिमाग में थोड़ा क्या क्या आएगा, 8x आएगा, हाँ सही बात, नहीं 8x नहीं आएगा, हाँ कहाँ से, हाँ अरे x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 8x n, n 8, हाँ देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी भी गलती बोल रहा है उस स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला याद रखा करो, डिफरेंशिएशन x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, n इंटू x के पावर n माइनस वन, ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा रहे पावर में वेरिएबल के पावर कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट को टपका गया मल्टीप्लाई करो 8 इंटू एक्स, इसमें से एक कम कर दो पावर, 8 में से एक कम करेंगे कितना हो गया 7, n आएगा। चलो इसके बाद बताना, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स के पावर 5 करो, इसे सॉल्व करो, बोलना है इसमें सॉल्व कितना आएगा, 10x और 4, सही है, सही है, सही है, 10x क्या होगा, हां 10x, 10 ये 5 हमारा यहां मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 5 2 में आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 5 2 10 x और 5 में 7 कम कर दो डिवाइड बाय 5 को इन को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, n इनटू x के पावर n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 5 * 10 x के पावर 5 में से 1 कम कर दो 4, यही ना होगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा, आएगा। चलो बताओ y = 2 * x के पावर 5 / 2 करो माइंड में कैलकुलेशन, तो पेन उठाने कोई काम नहीं है, पावर बोलो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो,
पाई एक्स टू द पावर 3/2 और तीन आएगा एक्स के पावर कितना होगा 3/2 वेरी गुड सही है हम क्या करना है एक्स के पावर एन अगर देखो इसको अगर प्रोसेस से करेंगे तो कैसे करेंगे इसको लेके ऐसे देखो और डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें माइनस वन कर देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लेकिन अगर हमको प्रोसेस से एक एक स्टेप करना है इसको कैसे करेंगे डीवाई बाई डी एक्स यहाँ से टू कॉन्स्टेंट टू कॉमन डिफरेंशिएशन एक्स के पावर क्या जाएगा 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या जाएगा एक्स 2/2 एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या आता है एन तो एन हमारा कितना यहाँ पर 5/2 यहाँ क्या जाएगा 5/2 इंटू एक्स के पावर 5/2 माइनस वन 2/2 कैंसिल हो गया नहीं 2/2 कैंसिल डिनोमिनेटर में 2 है एक डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल हो गया 2/2 बच गया क्या ओनली 5 यहाँ हो गया क्या 5 एक्स के पावर 5/2 माइनस वन एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे 5/2 माइनस वन 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया 2 5 में 2 गया 3 3/2 एक्स के पावर कितना जाएगा 3/2 होगा कि नहीं होगा बताओ तो यहां तक कोई डाउट है किसी को नहीं सर नहीं सर सुनो तुम लोग ध्यान से कल से अपना जो है क्लास यहीं पर मतलब होगा मे बी ऑनलाइन क्लासेस से कुछ स्टूडेंट जो है जिनको प्रॉब्लम है आने में जो मतलब क्या है भद्रावती के बाहर है ठीक है थोड़ा डिस्टेंस है उनको भद्रावती से उनके लिए तो अच्छी बात है लेकिन जो अगर भद्रावती में ही है आस पास में ही है मतलब कुछ ही डिस्टेंस है यहाँ से उनको कोशिश करो कि आ जाओ आराम से क्लास क्लास में बैठ के समझो ज्यादा अच्छे समझ में आया कहीं कोई प्रॉब्लम हो तुम आराम से उनको पूछ सकते हो बैठ के डिस्कस कर सकते हो ज्यादा अच्छा रहे हो सकता है ऑनलाइन में थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू हो सकता है प्रॉपर तुमको सुनाई नहीं कभी कभी तो कोशिश करो कल से क्लास में ही आ जाओ कहीं बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं ऑलरेडी तुम भी आ जाओ ठीक है यहीं तक रहने दो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होता है तुम्हारे साथ यस सर ठीक है सर आओ तुम नेक्स्ट क्लास